फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेक्सन कंपनी के लिंजिस वर्सेस ब्लैक टी के बारे में अपना अनुभव और उसके फायदों के बारे में जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। यह लिंजिस वर्सेस टी भारतीय 10 भारतीय जड़ी बूटियों के साथ जड़ी बूटियों का राजा किंग्स ऑफ गैनोडर्माइड का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये एक ऐसा हेल्थी ड्रिंक है जो एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका उपयोग करके मुझे बहुत सारे फायदे मिले हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। मेरे पापा जी इसका नियमित सेवन करते हैं, जिससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि इस स्पाइसेस टी में भारतीय 10 बेहतरीन औषधियाँ हैं जो डाइजेशन के साथ साथ ही मुंह की भी कई समस्याओं से हमें निदान दिलाती हैं। और इन औषधियों के बारे में आयुर्वेद भी कई वर्षों से इस्तेमाल करता आ रहा है और उपयोग करने का सजेशन भी देता आ रहा है। इसमें कुछ औषधियों के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। इसमें पुदीना है जो हमारे मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। इसमें सेंधा नमक है जो हमारे दांतों को, मसूड़ों को तकलीफों से बचाता है। इलायची है जो मुंह में दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को रोकता है और साथ में दांतों में होने वाली कैविटी से बचाता है। धनिया है जो फंगस और बैक्टीरिया से हमें बचाता है। लौंग है जो हमारे मसूड़ों को दर्द से आराम दिलाता है, उन्हें बचाता है। हल्दी है इसमें, जैसा कि हम जानते ही हैं, ये हल्दी हमारे आंतों को संक्रमण से बचाती है और साथ ही साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसमें नींबू भी है जो हमारी पाचन क्रिया को तुरंत ही स्टार्ट करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें सेंधा नमक जो है वो हमारे दांतों के साथ हमारे लीवर को भी स्वस्थ रखता है और हमारे आंतों में होने वाले संक्रमण से हमको बचाता है। जीरा और अदरक भी है इसमें जो हमारे पाचन के लिए अत्यंत फायदेमंद है और जिसका डॉक्टर भी उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं। इसके साथ साथ इसमें तुलसी है जो हमारे शरीर को सर्दी जुकाम से, खांसी से बचाती है और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसको रेगुलर यूज करने से मुंह के लाभ, स्वास्थ्य के लाभ तो होते ही हैं, साथ ही साथ अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम है या कभी अचानक ही बहुत ही ज़्यादा गैस बन जाए या मोशन नहीं हो रहा हो, तब आप इसको एक ग्लास गर्म पानी में इस स्पाइस टी को घोल के और पिए और आपको 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाएगा। इसका सेवन आप गर्म पानी में करेंगे तो आपको ये सारे तरह के फायदे दिलाएगा, चाहे वो गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या आपको दस्त लग रहा हो, या किसी भी प्रकार से आपका सर्दी जुकाम हो, गले में इन्फेक्शन हो, तो आप इसको सेवन करेंगे तो ये आपको आराम दिलाएगा। जैसा कि इस समय पे हम देख रहे हैं, इस समय पे जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और सभी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सजेशन दे रहे हैं, ये जो स्पाइसेस टी है इसमें ये सारी औषधियों के साथ ही गैनोडर्मा किंग्स ऑफ हर्ब है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और ये गैनोडर्मा एक बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। अब ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसमें संक्रमण फैल रहा है और सभी डॉक्टर्स और विज्ञान का, सरकार का कहना है कि हम सभी को अपने इम्यून सिस्टम को बना के रखना होगा, उसे बढ़ाना होगा और कुछ घरेलू औषधियां हैं जिन्हें यूज करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, ये हमें उपयोग में करना है। पर अभी तक हमारी जो मानसिकता थी वो इलाज वाली थी और हम कभी भी उपाय के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन अगर हम इस समय पर ध्यान दें तो सभी की एक ही अपील है, एक ही निवेदन है कि हम सभी उपाय बचाव की ओर ध्यान दें और अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि डीएक्सएन कंपनी कई वर्षों से इसी बचाव के मिशन पर ही कार्य कर रही है और इसका बहुत से लाखों लोग इसका फायदा अभी तक लेते आ रहे हैं। और इससे ये बात आज हमें ये समझ में आ जानी चाहिए कि बचाव हमेशा ही इलाज से सस्ता होता है, इसका प्रमाण आज हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरा
आपसे यही निवेदन है कि ये जो स्पाइसेस टी में जो हमारे घरेलू भारतीय औषधियां हैं जिनको हम हर दिन घर में उपयोग करते हैं, इस समय पे ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें। और अगर हम आयुष्मान मंत्रालय, भारत सरकार का जो वेबसाइट है, जो उन्होंने वेबसाइट बनाई है, अगर हम उस पे भी देखें तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि पुदीना, सेंधा नमक, काली मिर्च, इलायची, धनिया, लौंग, तुलसी, हींग, हल्दी, अदरक, ये सारी देसी औषधियां हैं जो हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। इनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करें और कोरोना से अपने और अपने परिवार को बचाएं। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने और मेरे परिवार ने इसका उपयोग किया है, इसके फायदों को ले रहा है, वैसे ही आप भी अपने जीवन में एक बार विज्ञापन की मानसिकता से थोड़ा सा हटके और केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट उन्हें छोड़ करके पूर्ण ऑर्गेनिक और खुद के अनुभव से, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करें और इसके फायदों का अनुभव लें और अपने अपनों को भी आप इस जानकारी को शेयर करें।